Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. टी गार्डन है जी ये पालमपुर का। व्हाइट टी गार्डन, व्हाइट टी गार्डन, वो तो कह रहा है कि ऑन रोड ही है, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है। अच्छा देखते हैं। ये कुछ मुझे भी आज चीज नहीं मिलता। मामा की बाइक मिल गई सामने, पूरा सामने टेंपल बेटा, वो देखो देख लिया। हाँ वो उसमें जो बंदा खड़े हुए वही वाले ना। और जी ये है बैजनाथ शिव टेंपल, बहुत बहुत पुराना है और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए पता ही ना बनाता नहीं। और ये उसके बाहर लॉन, और इस तरफ है नदी। समवे फार अवे यादी स्नो पीक्स, ये अजीब नज़ारे यहाँ पे। ये जी चलो आओ, मत करें चल अटैक कर देते हम। ये एक चीज़ पता नहीं वेल है कि क्या है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। बड़ी सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी नहीं है जाने की। ये जी पूरा लॉन, चलो जी आगे बाहर। ये जी पीछे बैजनाथ टेंपल। अरे गाइस, सो फिर हम लोग जब बैजनाथ टेम्पल से बाहर निकले, अभी तक का अगर मैं सफ़र आपको बताऊं तो बहुत ही एक्साइटिंग रहा है, क्योंकि पूरे रूट में हमें ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला और अर्ली मॉर्निंग वी रीच्ड अराउंड पालमपुर। तो हिमाचल हम एंटर कर चुके थे अर्ली मॉर्निंग, सो वी डिसाइडेड कि जितने भी यू नो टूरिस्ट प्लेसेज या अट्रैक्टिव प्लेसेज इन बिटवीन पड़ते हैं बिफोर रीचिंग दी बेल, तो कवर करते हुए चले। तो उसी रूट में हमने देखा कि बैजनाथ टेम्पल था, और भी चीज़ें थी बट सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो अभी हमने बैजनाथ टेंपल कवर करते हुए, जो कि ठीक था फॉर लाइक वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजिकल टेंपल, तो उसको कवर करके अभी हम लोग निकल रहे हैं अब बीच की तरफ। देखते हैं धीरे धीरे, देखेंगे कुछ रुकते रुकाते देखते बीच पे चलेंगे रास्ते में। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है हम 11 o'clock के आसपास या 12 o'clock के आसपास बीच में एंटर कर चुके कर जाएंगे। तो अभी तो ये था कि हाँ बैजनाथ टेंपल की एक बात और बताऊं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदर थे और बाहर पार्किंग स्पॉट भी था, जो थोड़ा सा मुझे दांगीबाजी लगी, क्योंकि उन्होंने हमें कोई टिकट कुछ नहीं दिया था, खाली उन्होंने हमसे 50 रुपये ले लिए, तो वो थोड़ी सी दांगी लगी। बाकी तो मेन तो हमारा टेम्पल था, टेम्पल वेम्पल देखा, अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, तो बस वो देखा। उसके बाद फिर हम लोग आगे वापसी,
अब देखते हैं आगे चलते हैं। और अभी तक वेदर तो इट्स लाइक कम्प्लीटली इन आवर फेवर, बाकी मज़ेदार है मौसम और फुल इन्जॉय करते हुए चल रहे हैं हम लोग। देखते हैं अभी ब्रेकफास्ट में तो हम वी हैड द पराठा जो हम घर से बना के लाए थे, अभी एन रूट देखते हैं अगर भूख लगी तो खाएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या करना है। सो अभी देर जाते थे, मैं रस्ते में एक स्पॉट दिखा है ऊपर हिल में ना, देयर मेड अ सिटिंग प्लेस, तो शायद यहाँ का कुछ फेमस या ऊपर जाके नज़ारे होंगे, तो चलो उतरते हैं देखते हैं। जैसे मैंने बोला टाइम तो बहुत है, देखते हैं ऊपर स्पॉट पर जाके कुछ बढ़िया नज़ारे दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो हल्का फुल्का स्नैक्स स्नैक्स करके हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे अपनी जर्नी। चलो लेट्स गो। ओके सो वी आर बैक फ्रॉम दैट टूरिस्ट प्लेस, ऊपर दिस अ प्लेस टू सिट बट नज़ारे कुछ ऐसे खास नहीं है ऊपर, तो अब यहाँ से चल रहे हैं, थोड़ा हमने स्नैक्स वैक्स खाया ऊपर बैठ के, ऊपर इट वॉज लाइक चढ़क के नज़ारा करने से भी, तो बस अब वो देख के हम निकलते हैं यहाँ से और थोड़ा स्पीड अप करते हैं, क्योंकि ऊपर बैठ के मैंने होटल वोटल भी चेक कर लिए, तो दो तीन स्पॉट्स मिले हैं, दो तीन होटल्स मिले हैं, देखते हैं। ऐसे ऑनलाइन में मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं हूँ, जनरली मिलते नहीं है, वहाँ जाके कुछ और ही मिलता है या रेट्स डिफरेंट होते हैं, तो लेट्स सी वहीं जाके सर्च करेंगे कुछ बढ़िया होटल, चलते हैं स्पीड अप करते हैं। ऑलराइट पीपल्स, वी हैव रीच भीर, तो अभी देख रहे हैं होटल ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे होटल मिल तो रहे हैं, मतलब इतना टूरिस्टिक भी नहीं है, ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है, बट स्टिल होटल मिल ले रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो इतने यू नो मतलब पसंद नहीं आ रहे हैं, बहुत कंजेस्टेड है या छोटा रूम है और बाहर भी अच्छा व्यू नहीं है, तो काफ़ी देर से हम ढूंढ रहे हैं और अभी हमें 4 to 5 प्लेस हम देख चुके हैं, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 3,000 पर डे या मोर देन दैट, एरिया प्लेस को देख के वो लग भी नहीं रहेगी इतने महंगे, जैसे हिप हॉस्टल हॉस्टल्स है जो काफ़ी महंगे, और कभी मैंने सोचा नहीं था हॉस्टल्स इतने महंगे होंगे, और हम एक्चुअली बीर में भी नहीं रुक रहे हैं, बीर से थोड़ा आगे आ गए हैं, चौगन करके जगह है और एक गाँव और है, बेसिकली मेन बीर से थोड़ा सा दूर है, और मेन बीर में तो वैसे ही बहुत क्राउडेड रहता है, तो आई डोंट लाइक प्लेसेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वैसे ही अपना कन्वेंस है तो कभी भी आ जा सकते हैं, तो देखते हैं ढूंढते हैं थोड़ा ऊपर नीचे जल्दी से, अगर रूम मिल जाए तो उसके बाद फिर शाम का प्लान करते हैं कि आज शाम को क्या करना है। चलिए लेट दी होटल सर्च कंटिन्यू। रेगुलर मिनिस्ट्री आए ओके, तो अब आ गए मिनिस्ट्री के अंदर, और ये देखो कैसा ही लग रहा है, लद्दाख की लद्दाख में देखते हैं ऐसे पत्थर कार्व्ड होते हैं सारे, आ रहा हूँ एक सेकेंड, और ये जी मेन मॉनेस्ट्री। बढ़िया ना, एक ही लैंड कर रहा है, सबसे लास्ट वाला ही है बस, और कोई नहीं है लास्ट ही। Oh,
ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.